नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्ट आंसर को लिखवाया था लेसन वन का, और आज मैं एक नंबर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ। इसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा नहीं, आप अपनी बुक से नोटबुक पर उतारेंगे लिखेंगे और इसके बाद मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यानी किस उदाहरण की सहायता से डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट प्लांट पार्ट सर्व एज फूड ऑफ सोर्स ऑफ फूड, यानी किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधा अपने पार्ट में भोज्य पदार्थों को परोसता है या देता है। आंसर लिखें, द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के विभिन्न भागों में सच एज रूट लीव्स फ्लावर एंड सीड्स, कुछ पौधे के ऐसे पार्ट होते हैं जिनके हम फूल खाते हैं, जड़ खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। सर्व एज सोर्स ऑफ फूड कैरेट एंड रेडिस आर रूट, कैरेट और रेडिस ये दोनों जड़ होते हैं और हम लोग भोजन के रूप में इसे करते हैं। रूट ऑफ द प्लांट्स यूज एज फूड, जिसका प्रयोग हम लोग भोजन के लिए करते हैं। एंड वी यूज स्टीम ऑफ सुगर कैन एंड बनाना एज फूड, सुगर कैन एक और बनाना की हम लोग स्टीम का प्रयोग करते हैं भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है आपका, व्हाट आर डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स क्या है एंड स्क्वेंजर्स, डीकम्पोजर्स एंड स्क्वेंजर्स क्या है, हाउ आर दे यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन लैंड डिस्ट्रॉय द प्लांट एंड एनिमल्स, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज होते हैं हम उसे डीकम्पोजर्स बोलते हैं, नहीं जो सड़े गले पदार्थ मांस को खा लेते हैं। एंड विच एनिमल्स दे कंज्यूम द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स, ऐसे जीवजंतु जो जानवरों के मरे हुए भाग को सड़े गले पदार्थों को खाते हैं हम उसे स्क्वेंजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट में लिखे कि दे बोथ क्रिएट, ये जो दोनों जानवर है चाहे डीकम्पोजर्स हो या स्क्वेंजर्स, दे बोथ क्लीन आवर एनवायरनमेंट, यह हमारे वायुमंडल को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करते हैं। एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमारे इस वायुमंडल को साफ सुथरा चारों तरफ से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, डिस्क्राइब एनी फाइव कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जो तैयार होते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क, यानी ऐसे वस्तु जो दूध से उत्पन्न की गई है बनाई गई है, और नो एज डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क पनीर मीट एग हनी एंड स्वीट्स और फाइव डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यानी दूध से बनाने जाने वाले पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक्सप्लेन फूड चैन, भोज्य प्रक्रिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसमें मैं लिखवाया हूँ, ए फूड चैन ओनली फॉलो जस्ट वन पथ एज एनिमल्स फाइंड फूड, ए हॉग बाज जो होता है इट्स ए स्नैक, एक सांप खाता है, बाज जो है एक सांप को खाता है, विच इटेन ए फ्रॉग जो एक वो मेढक खाता है, स्नैक जो होता है मेढक को खाता है,
बाज जो है स्नेक खाता है, स्नेक जो है मेढक खाता है, विच हैज ईटन ए ग्रास हॉपर, जो यहाँ मेढक जो होता है ग्रास हॉपर को खाता है, एंड विच हैज ईटन ग्रास, जो ये ग्रास हॉपर होता है वो ग्रास को खाता है, घास को खाता है, इट इज ए ईट इज ए फूड चेन, यह एक भोजन प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूर्ण गया और मैं एक क्वेश्चन 5 को भी लिखवा रहा हूं। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, दिस डिफरेंटिएटेड बिटवीन हर्बिवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, यानी तीनों में डिफरेंटिएट डिफरेंट बताना है, मैं तीनों को अलग अलग करके लिखवा दिया हूं, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बिवोरस, हर्बिवोरस आर दोज एनिमल्स, हर्बिवोरस वे जानवर है विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, सिर्फ पेड़ पौधे तथा पेड़ पौधे के द्वारा उत्पन्न फल सब्जी जो भी है, पेड़ों के द्वारा जो उत्पन्न वस्तुएं हैं वो भक्षण करते हैं, उसे हम हर्बिवोरस कहते हैं। सच एज, यहाँ से ऊपर लिखे हैं, सच एज काऊ, हॉर्स, बफेलो, गोट, एटिस। ठीक है, नेक्स्ट कार्निवोरस, मांसाहारी जानवर। कार्निवोरस आर एनिमल विच ओनली ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, कार्निवोरस जानवर ऐसे जानवर है जो दूसरी जानवरों के मीट मांस को भक्षण करते हैं, सच एज जैसे लायन, टाइगर, ये सब जो है ये दूसरे जानवरों के मीट मांस को खाने वाले जानवर हैं। एटिस, ओमनिवोरस, ओमनिवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो मीट मांस को भी खाते हैं तथा पेड़ पौधों के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को भी खा लेते हैं। लेकिन ओमनिवोरस आर दोज एनिमल्स, ओमनिवोरस वे जानवर है दैट ईट बोथ प्लांट एंड प्लांट एंड फ्लेश, जो पेड़ पौधों को तथा मांस को भी खाते हैं और अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों के मांस को, सच एज जैसे क्रो, डॉग, एटिस। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप इसे पूरा कर लेंगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है, लर्न करेंगे। तो अब तक के लिए मैं अपने इस चैप्टर को बंद करते हैं और नेक्स्ट डे मैं लेसन 2 को पढ़ाऊंगा।